दोस्तों क्या आपने खाया है इसे? हमारी भाषा में तो इसे पतेड़ कहते हैं, यानी कि अरबी के पत्तों से बनाए गए पकौड़े, जो कि मेरी मम्मी ने अपने हाथों से बनाया है। तो चलिए देखते हैं कि इसे मेरी मम्मी ने कैसे बनाया है और इसे बनाने में कितना वक्त और कितनी मेहनत लगी है। इसे बनाने के लिए पहले तो मम्मी ने मुझसे 5 प्याज मंगवाए, क्योंकि इन्हें एक साथ सारा पीसा जाएगा। और भी है, मैं बताती हूँ आप। ले लिया मैंने प्याज, साथ ही मैंने लिए है 5 लहसुन भी, और ये ले लिए मैंने 5-6 हरी मिर्च। मम्मी लगे प्रिपरेशन पे। अभी मम्मी काट रही है प्याज, लहसुन, हरी मिर्च। सारा एक साथ काटोगे मम्मा? हाँ ओके। दोस्तों मम्मी इन्हें रफली चॉप इसलिए कर रही है क्योंकि ये सारा का सारा जो है ना, मिक्सर में जाकर के ग्राइंड होने वाला है। लहसुन को छीलोगे नहीं? कोई जरूरत नहीं। लहसुन को नहीं छीलोगे? नहीं, ऐसे मिक्सर में डाल के पीसूंगी, क्योंकि ये होता है हेल्दी। ओहो, मतलब लहसुन लहसुन के छिलके के साथ हेल्दी होता है। तो सुना आपने दोस्तों कि आप लहसुन को उनके छिलकों के साथ भी ग्राइंड कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल दीजिए बस। ये डाल रहे हो? जीरा, अच्छा होता है। डालूंगी मैं इसमें धनिया, साबुत धनिया। अब ये सारा का सारा ग्राइंडर में जाके पीसने के लिए हो गया तैयार। पीसने के लिए इसमें मम्मी ने पानी भी डाला है, और ये जो हमारा मसाला है वो पिस करके हो गया है एकदम तैयार। ये गए इसमें 4 नींबू। अब मम्मी ने इस मसाले में स्वादानुसार नमक डाला है, जो मम्मी ने पहले नहीं डाला था, अभी डाल दिया है। और साथ में सारे के सारे नींबूओं को ना मम्मी बहुत बढ़िया करके निचोड़ रही है। ये डाल दिया मम्मी ने बहुत सारा बेसन। कितना डाला है? 1/2 kg। और अभी मम्मी ने इसमें डाला है पानी, और ये सारा का सारा बहुत अच्छी तरीके से मम्मी इसको करने वाली है मिक्स। और ये देखिए हमारा बैटर बन करके हो गया है एकदम तैयार। ये शुरू हो गई हमारी पतेड़ बनाने की प्रिपरेशन। ये पिनालू के पत्ते होते हैं ना, अरबी के, सॉरी अरबी के पत्ते। और इसे हम क्या बोलते हैं मम्मा? क्या पतोड़। मम्मी इनके डंडे काट रही है सबके। इसके पत्ते इतने ज्यादा सॉफ्ट है तो सोचिए कि पकौड़े कितने ज्यादा सॉफ्ट होंगे। अभी ये पत्ते को तुमने क्या करा, उल्टा कर दिया। बाय, कूटते हैं ना लोग इसको, कूटोगे ना तुम? जरूरी नहीं। और अभी मम्मी इसमें पत्ते में हर जगह से तेल लगा रही है, जो कि ऑप्शनल है। और अभी ये इसमें गया ये मसाला। अभी शुरू इसको रोलिंग करने की प्रोसेस। अभी इसको मम्मी रोल कर रही है। ये अभी ये लगा दिया मम्मी ने मोमो के बर्तन में तेल, क्योंकि अभी ये स्टीम होने जाएगा। दोस्तों अगर आपके पास मोमो वाला बर्तन नहीं हो ना, तो आप लोग कोई भी स्टीमर का यूज कर सकते हैं, जिस जो जाली वाला बर्तन होता है ना उसका। वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ दोस्तों, ताकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी ना हो जाए और आप लोग बोर ना होने लगो। देखिए कैसे हमारा एक डब्बा पूरा भर चुका है। ये देखिए दोस्तों, पानी हमारा बॉईल हो गया है।
और अभी हम इन दोनों को इसमें स्टीम होने के लिए रख देंगे और अब हम इसे ढक देंगे। दोस्तों इसको ना चेक करते हैं, ऊपर वाला ऑब्वियसली नहीं हुआ होगा तो इसे हम कर देते साइड। ये देखिए ये हरे से ना, इसे कौन सा हरा बोलते हैं, जो भी हरा है मतलब कि ये पक गया है, और ये वाला तो और भी अच्छे से पक गया है। ये देखिए, तो मम्मी ने मुझे कहा है कि मैं बिना किसी छेड़छाड़ के गैस को बंद कर दूँ, तो ये लो गैस बंद कर दिया। अब मम्मी अपने आप चेक करेगी कि इसमें क्या अब आगे होने वाला है इसमें। ना ना, सबको अलग से रख दिया है मम्मी ने। अब करते हैं पकौड़े बनाने की प्रिपरेशन। ये ले लिया है मम्मी ने कढ़ाई में तेल, और बहुत ही स्पीड के साथ मम्मी ने तलना शुरू कर दिया है। छोटे छोटे टुकड़ों में मम्मी इन्हें काट रही है ताकि ये बहुत ही बढ़िया करके जो है फ्राई हो जाए। ये देखिए दोस्तों, ये जो आवाज़ आपको आ रही है ना, ये तेल की आवाज़ नहीं है। ये दरअसल आज यहाँ पे मौसम बहुत भयंकर वाला ख़राब हुआ हुआ है और यहाँ पे पड़ रही है मूसलाधार बारिश, तो ये उसकी आवाज़ और थोड़ी बहुत तेल की आवाज़ है। और ये लो जी, हमारे पतेड़ यानी कि अरबी के पत्तों के पकौड़े बन करके हो गए हैं बढ़िया करके तैयार। दोस्तों लग नहीं रहा ये देखने में कितना ज़्यादा टेस्टी और यमी। आई थिंक कि ये रेसिपी ज़रूर आप लोगों को ट्राई करनी चाहिए। मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने करी भी है, खाया हुआ भी है, जिन्होंने नहीं किया है उन्हें तो ज़रूर करना चाहिए दोस्तों, मज़ा आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और सीरियसली खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है, और ऑब्वियसली माँ के हाथों से बना है तो ये तो मतलब टेस्ट में ना बढ़ोतरी हो गई है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो मम्मी के लिए एक लाइक कमेंट शेयर तो बनता है यार, और अगर वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आप भी खाओ खिलाओ और एंजॉय करो, और मैं आपसे मिलूँगी एक अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय।